more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. हाल ही में रिलीज हुई सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा रही है। इस फिल्म में सलमान के साथ साथ कई अन्य कलाकार जैसे बॉबी देओल, जैकलीन फर्नांडिस, डेजी शाह, अनिल कपूर और साकिब सलीम भी शामिल हैं। बॉबी देओल को लंबे समय से कोई फिल्म नहीं मिल रही थी, लेकिन सलमान खान ने अपनी दोस्ती दिखाते हुए उनको इस फिल्म में काम करने का मौका दिया। तो आइए आज हम जानते हैं कि इस फिल्म पर लोगों ने अपनी क्या राय दी है। वैसे तो भाईजान के देश भर में करोड़ों फैंस हैं, लेकिन उनकी इस फिल्म को ज़्यादा पसंद नहीं किया गया है। कई लोगों का कहना है कि उनको इस फिल्म के गाने अच्छे नहीं लगे, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि किसी की भी एक्टिंग अच्छी नहीं है। लोगों ने सबसे ज़्यादा अनिल कपूर की एक्टिंग को पसंद किया। इस फिल्म की स्टोरी में ज़्यादा कुछ नयापन देखने को नहीं मिला, यहाँ तक कि कुछ लोगों को ये फिल्म बिना सर पैर की भी लगी। वहीं कुछ ऐसे भी सलमान के फैंस थे जिनको ये फिल्म खूब पसंद आई, तभी तो इस फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन 30 करोड़ तक पहुँचा। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी का लाजवाब बताया जा रहा है। फिलहाल अब देखना ये है कि ये भी सलमान की बाकी फिल्मों की तरह 100 करोड़ की लिस्ट में शामिल होती है या नहीं। टॉप न्यूज से सपना की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।